श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कई सारे लोगों के घर में हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां चलती रहती हैं, जैसे कि उनके घर में धन की परेशानी हो या किसी भी प्रकार की दुख परेशानी हो, या घर में कोई रोग बीमारी, में किसी के पास नौकरी ना हो, या घर में किसी का कोई बड़ा काम नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों को प्रदोष व्रत का यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल नया उपाय बताया है। गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय शिव महापुराण कथा का बिल्कुल नया उपाय है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक शमी पत्र और रात 9:15 वाला उपाय बताने वाले हैं, जिस एक उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह उपाय आप लोगों को मात्र प्रदोष व्रत के दिन ही करना है और इस उपाय को आप 4 से 5 प्रदोष व्रत तक आपको करना है और इस उपाय का फल भी लेना है। इस उपाय को घर के किसी भी एक बड़े सदस्य को करना है। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी, उनमें से कोई भी एक माता बहन को ये उपाय जरूर करना है। इस उपाय को वह कर सकती हैं। इस उपाय को आप अपने घर में सुख शांति के लिए और धन प्राप्ति के लिए, सभी तरह की दुख और परेशानियों के लिए कर सकते हैं। इस उपाय को आपको 2 समय पर करना है। पहले प्रदोष काल या शाम का समय और दूसरा 9:15 पर, मतलब कि यह उपाय शाम के समय से शुरू होगा और रात 9:15 तक पूरा होगा। इस उपाय में आप लोगों को सिर्फ एक शमी पत्र की आवश्यकता होगी। इस उपाय को आपको अपने घर के ही मंदिर में करना है, जहां पर आपके घर में शिवलिंग विराजित हो, उस स्थान पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। मतलब कि इस उपाय को करने के लिए आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर ये वाला उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है और यह उपाय शाम के समय से शुरू होगा और रात को 9:15 पर पूरा होगा। सबसे पहले उपाय के लिए आपको एक शमी पत्र पहले से तैयार करके रखना होगा और उसके बाद प्रदोष व्रत के दिन जैसे ही शाम का समय होता है, उस समय आप लोगों को अपने घर के मंदिर में आ जाना है, जहां पर शिवलिंग रखा है। और इसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दीपक बाती करनी है और अपने घर में जो तुलसी माता हैं, उनके लिए भी दीपक बाती करना है, मतलब कि दीपक जलाना है। जैसे ही आप अपने घर के मंदिर में और तुलसी माता के पास में दीपक जला देते हैं, उसके बाद में आपको अपने ही घर के मंदिर में, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है, वहां पर बैठ जाना है। और बैठने के बाद आपको अपना वह एक शमी पत्र निकाल लेना है। इसके बाद में आपके घर में चाहे पत्थर की शिवलिंग हो या चाहे किसी भी चीज़ की शिवलिंग हो, आप उसे शिवलिंग के ऊपर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। अब आपको इस एक शमी पत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, जो शिवलिंग आपके घर में है। इस एक शमी पत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आपको भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है और विनती करना है, मनोकामना बोलना है। जिस काम के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, अपना वह काम आपको भगवान शिव जी से बोलना है। इस शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद भगवान से मनोकामना बोलने के बाद आप भगवान के दर्शन करके वहां से उठ सकते हैं और अपने बाकी के घर के कामों को कर सकते हैं। अब आपको अपने पूजन वाले स्थान पर रात को 9:15 के पहले आ जाना है, क्योंकि यह उपाय शुरू तो शाम के समय से होगा पर पूरा रात 9:15 पर होगा।
जैसे ही रात के 9:15 का समय होता है, उस समय आपको इस एक शमी पत्र को अपने घर की शिवलिंग से उठा लेना है और इसे किसी एक पात्र में रख देना है। अब इस शमी पत्र के अंदर भगवान शिव जी का आशीर्वाद आ चुका है। अब आप अपने किसी भी काम को करने के लिए जिस भी दिन जाते हैं तो अपने साथ में इस एक शमी पत्र को अपने साथ रख कर जाए। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप इस उपाय को अपने घर में धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं और घर में सुख शांति बनाने के लिए कर रहे हैं तो आप इस शमी पत्र को अपने घर पर ही रखें। इस उपाय में आप लोगों को 4 से 5 प्रदोष व्रत तक करना है और 4 से 5 प्रदोष की जो शमी पत्र होगी वह आपको अपनी ही घर में इस पात्र में इकट्ठा करके रख लेना है और आप इन शमी पत्र को भगवान का आशीर्वाद समझकर रख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करते समय ध्यान में रखने वाली बातें, यह उपाय सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन ही करना है और यह उपाय 4 से 5 प्रदोष व्रत तक करना होगा। यह उपाय शाम के समय से शुरू होगा और रात 9:15 पर पूरा होगा। इस उपाय को घर की कोई भी एक बड़ी माता बहन कर सकती हैं। इस उपाय में आपको अपनी एक शमी पत्र लेनी है और इस उपाय को आपको मंदिर में जाकर नहीं करना है, अपने घर पर ही जो शिवलिंग है वहाँ पर करना है। उपाय की जो शमी पत्र का प्रयोग आप पहले प्रदोष व्रत से भी कर सकते हैं, दूसरे तीसरे से भी कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को अपने घर की सुख और शांति के लिए, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो इन शमी पत्र को किसी एक अच्छे से पात्र में इकट्ठा करके अपने ही घर में पूजन वाले स्थान पर रखें और इस शमी पत्र के अंदर भगवान शिव जी का आशीर्वाद आ जाएगा, जिससे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। ये उपाय पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया था। अगर आपको इस उपाय करने में कोई दिक्कत या समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।